यह सूरत शहर है। इसके ताज में खिताबों के कई हीरे जुड़े हुए हैं और अब इस ताज में एक नए खिताब का हीरा चमकेगा। सूरत ब्यूटीफुल सिटी। वैसे तो सूरत पहले से ही खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने में सूरत महानगर पालिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। As a part of the city urban rejuvenation and urban place making, the Surat Municipal Corporation has taken up initiative to beautify the city's road, city's furniture, city's traffic islands and channelizes. सूरत महानगर पालिका द्वारा जनहित के अनेक प्रकल्पों को कार्यवंत किया गया है। इन प्रकल्पों को साकार करने हेतु इनके निर्माण के वक्त अनेक प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया गया। इन प्रकल्पों के पूर्ण हो जाने के बाद सूरत महानगर पालिका के हाइड्रोलिक ड्रेनेज वर्कशॉप एवं विभिन्न जोन के स्टोर और डेपो में कुछ अतिरिक्त सामग्री कबाड़ के रूप में पड़ी रहती है। As a part of the brainstorming with officials in SMC, we came to conclusion that something creative could be done in this regard. So making the best out of the waste, and we decided to make 10 sculptures out of scrap. इस योजना के अंतर्गत सूरत स्क्रैप स्कल्पचर सिंपोजियम 2017 का आयोजन किया गया। इसके लिए सूरत शहर और गुजरात राज्य के विभिन्न विस्तारों से कई कलाकारों को चुना गया। इनके द्वारा शहर, संस्कृति और प्रकृति के संलग्न 10 कलात्मक चीजें बनाने हेतु एक कार्य शिविर कार्यरत किया गया। तो मैंने अपने शहर के लिए एक दौड़ता हुआ घोड़ा बनाने का निर्णय किया, क्योंकि वो एक रफ्तार दर्शाता है, जिसका नाम हमने रखा है रफ्तारे सूरत। अभिषेक मंडला है आर्टिस्ट। उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो पाइप में काम करेंगे, वो एक ह्यूमन फिगर बनाएंगे। विनोद पटेल, जिन्होंने दो लीव्स के ऊपर दो बीटल्स बनाए हैं जो ग्रोथ को सिंबलाइज करते हैं। आलोक बाल, उन्होंने क्लाउड्स का आर्च बनाया है। हृदयनाथ, उन्होंने एक क्रो बनाया है, इसे उन्होंने परसीव किया है एज अ वेलकमिंग बर्ड। दीपक खत्री, उन्होंने हार्ट का निर्माण किया है। हार्ट भी आर्टरीज और वेन्स, इन्हीं पे डिपेंडेंट ऑर्गन है। इसको उन्होंने अपनी ड्रेनेज सिस्टम के साथ जोड़कर देखा है। मेहुल पटेल, जिन्होंने बनाए हैं क्रॉलिंग रूस्टर्स ऑफ सूरत। लोकनाथ सिन्हा, उन्होंने हमारे सूरत में डेवलपमेंट को देखते हुए अर्बन स्ट्रक्चर बनाने का निर्णय किया। पीयूष पात्रा, जिन्होंने एक बॉबिन बनाया है, वो कनेक्ट करता है सूरत के इतिहास को जो जरी के साथ जुड़ा हुआ है। इस ज्ञानवर्धक शिविर में विभिन्न संस्थाओं के सदस्य, कॉलेज के विद्यार्थी, फैकल्टी और कलारसिक जनता ने बेस्ट फ्रॉम वेस्ट और खास तौर से मेटल स्क्रैप स्कल्पचर बनाने की प्रक्रिया के बारे में माहिती प्राप्त की। कला क्षेत्रीय सूरत महानगर पालिका द्वारा स्क्रैप स्कल्पचर सिंपोजियम नु आयोजन करेलु छे। ये आयोजन नी अंदर जे कलाकृति बनावामां आवी छे ए सूरत शहर ने पण फायदो थयो छे अने साथे साथे कलाकारो ने पण आमां फायदो थयो छे अने प्रेरणा मळी छे। मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ सूरत में ये कैंप पहली बार हो रहा है कि जहाँ पे आर्टिस्ट लाइव काम कर रहे हैं और हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वैसे हम लोग देखते हैं तो सर्कल पे डायरेक्ट काम ही देखते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता है कि ये कैसे बनता है और उसका प्रोसेस कैसे होती है और उसको एंड तक कैसे ले जाना होता है। यहाँ पे हम लोगों को वो सीखने मिलता है कि वो लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे मटेरियल को यूज करते हैं और उसको कैसे रिजल्ट उसका कैसे मिलता है, उसको कैसे डिस्प्ले करना है, तो वो सब चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। सूरत महानगर पालिका द्वारा स्क्रैप कल्चर ना माध्यम थी अमे सूरत शहर की सुंदरता में वधारो करवानो नम्र प्रयास कर्यो छे।
સ્ક્રેપનો નવીન કલાકૃતિઓ બનાવવામાં ઉપયોગ કરી. આર્થિક ફાયદો તો થયો જ છે, પરંતુ સાથોસાથ કલાકૃતિઓને શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં સ્થાપિત કરીને એ વિસ્તારની એક નવી ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરી છે. અને અમારે માટે આ વિચાર એક નવો લેન્ડમાર્ક બની રહેશે. When we are like looking at the old city area, like for example in the Surat city, when we move from Bhagal area to the tower side road, so we'll look at the tower, right? So that become the landmark for us. So the same way, after looking at all these sculptures, what I feel, we are creating a indirect way the history of the Surat city. So all this sculpture become the landmark in the city streets. So while we are moving, so all this sculpture somehow the link the entire city, and that's how this city become the one artistic place for the city. इस कार्य शिविर की पूर्णाहुति पश्चात इसमें से बनी हुई कलाकृतियों को शहर के चुने हुए विस्तारों में स्थापित किया जाएगा, जो सूरत शहर और इसके नागरिकों के कला प्रेमी होने के प्रमाण को और भी पुख्ता करेगा. सूरत महानगर पालिका स्मार्ट सिटी का एक और स्मार्ट कदम, स्मार्ट सिटी का एक खूबसूरत कदम.